आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा साहब। बिट्टा साहब से हम आज टेररिज्म का जो खतरा हमारी कंट्री पे है और तमाम डिफेंस इश्यूज पर बात करेंगे। बिट्टा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पेशावर पर जो अटैक हुआ था, स्कूल पर जहां बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का परसेप्शन टेररिज्म को लेकर कुछ बदलेगा। क्या आपको लगता है कुछ बदलाव आया है? पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बदल सकता। 71 की जंग से लेकर आज तक पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल वैसा ही रहा है और वैसा ही रहेगा। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान को एक करारा जवाब, गोली का जवाब गोली दे रही है, वही सबसे बड़ा हल है। जंग भी हल नहीं है। अब तो हमें सरकार को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि तू कश्मीर मांगता है, हम तेरा ऑक्यूपाई कश्मीर लेके रहेंगे, तब पाकिस्तान सुधरेगा। अगर पाकिस्तान दो गोली चलाता है पर आप 50 चल रही हैं, 50 चलनी चाहिए। अगर दो जवानों के सिर काटता है तो 50 जवानों के सिर काट के पाकिस्तान की सरहदों पर फेंक देने चाहिए। अब तो यही पॉलिसी है जो चल रही है, यही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। उससे पहले ये हुआ करता था कि दो जवानों के सिर कटते थे, हमारे जवानों की शहादत होती थी और पाकिस्तान के साथ हम रात को बातचीत करते थे, उनका लाल कारपेट के साथ स्वागत करते थे। अब वो चीजें समाप्त हो गई। अब तो आर पार की लड़ाई है, जो लड़ी जा रही है यही लड़ी जानी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को आज ओबामा जी के साथ बात करके, जब भी वो यहां आ रहे हैं 26/11 को लेकर, एक ही डिमांड होनी चाहिए, हमें दाऊद इब्राहिम, हमें सैयद, जिस तरीके से ओबामा बिन लदेन मारा है हमें ऐसे मिलके मारना है, ये उनसे बात करनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, दूसरे कंट्री को सबको मिलकर। अब बेटा जी, आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, या ऐसा परसेप्शन था कि जो पिछली सरकार है वो काफी उसकी नीतियां लचर थी डिफेंस को लेकर, मौजूदा सरकार के आने के बाद से कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है? ये जरूर हम नजर आ रहा है कि पहले जितनी फायरिंग होती थी इतनी फायरिंग कभी नहीं अब हुई जो अब फायरिंग हो रही है, ये सब लोग कह रहे हैं। मैं सहमत हूं इससे। पहले की जो हमारी सरकारें थी, जिस पार्टी में हम हैं उनकी जो सरकारें थी, उनका रवैया नर्म था। मैंने जैसे बताया, दो जवानों के सिर कटते हैं, जवान शहीद होते हैं सुबह, हम रात को पाकिस्तान से बातचीत करते हैं, हम वहां के राष्ट्रपति पीएम को आगरा जाने का न्योता देते हैं लाल कारपेट के द्वारा। अब वो चीज नहीं है। अब तो नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई के अंदर वो लड़ाई जो है पूरी जारी है और जारी रहेगी जितनी देर तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता। मेरी तो तसल्ली है, चाहे मैं किसी पार्टी का अलग हूं पर मेरी विचारधारा आजाद है इस मामले में। बेटा जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। हाल ही में पंजाब के जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी, उन्होंने डिमांड की है कि जो बहुत पहले से टेररिस्ट के मामलों में बंद है, बंदी, उनको रिहा किया जाए, इस पर क्या आपका स्टैंड? जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट हमारा सबसे बड़ा है, हम उनका सम्मान करते हैं। जो सुप्रीम कोर्टों ने सजा सुना दी, जिन्होंने बेगुनाहों का खून किया, जिन्होंने बहनों के सुहागों को उजाड़ा, जिन्होंने बम्बों से कई बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, कई बच्चे यतीम कर दिए, उनको सजा फांसी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में फांसी की सजा लागू है, रोज सजा हो रही है, तो हम फांसी से क्यों डरते हैं? तो हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई पूरे जोर से होनी चाहिए, बिल्कुल उनको उनके ऊपर रहम नहीं करना चाहिए, उनको फांसी की सजा सबको होनी चाहिए। आपको फिर क्यों लगता है कि इस पूरे मामले का एक तरह से राजनीतिकरण हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड कर रही हैं कि टेररिस्ट को छोड़ा जाए। हमेशा आतंकवाद के ऊपर राजनीति हुई है, हमेशा। कभी अफजल के ऊपर हुई है, कभी कसाब के ऊपर हुई है, जिसने मेरे पे बम चलाया भुल्लर उसके ऊपर हुई है, सरदार बेअंत सिंह का कातिल हवारा है उसके ऊपर हुई है, ये टोटल वोट बैंक की राजनीति है। अब थोड़ा बदलाव आया है। पहले था कि अगर किसी मुसलमान को फांसी होती मुस्लिम वोट टूट जाएगा, सिख को फांसी होती सिख वोट टूट जाएगा, ईसाई को होती वो वोट टूट जाएगा, हिंदू का है तो हिंदू वोट, पहले पॉलिटिक्स ही। अब इस युग के अंदर, इस नई राजनीति का जो हालात बदले हैं उसके अंदर अब टेररिस्टों के लिए कोई जगह नहीं है, ये मैं यकीनन तौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं कह सकता हूँ। बेटा साहब, एक राजनीतिक सवाल आपसे, चूंकि आप पंजाब के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पंजाब में एक तो जो ड्रग माफियाओं के ऊपर शिकंजा कस रहा है, जिसमें सरकार के कैबिनेट के मंत्री भी शिकंजे में आ रहे हैं, ये पूरा जाल क्या है और क्या प्रभावी कार्रवाई हो रही है? जहां तक सवाल है कि जहां मंत्री जी की सवाल बात कर रहे हैं कि मंत्री जी आ रहे, मंत्री ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं है। ये मैं मानता हूं कि नार्को टेररिज्म है,
پاکستان کا بارڈر سامنے ہے، نارکو ٹیررزم ہے۔ ہمیں سرکاروں کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون اس میں انوالو ہیں، پولیٹیشن کا سہارا کیوں لیتے، کیونکہ پولیٹیشن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کون ان کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، بھیڑ میں کوئی بھی جا سکتا، آ سکتا ہے، فوٹو کھچا سکتا ہے۔ تو نارکو ٹیررزم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر پیچھے کہاں سے نارکو ٹیررزم آ رہا ہے؟ راجستھان سے آ رہا ہے، گنگا نگر سے آ رہا ہے، اور کہاں کہاں سے آ رہا ہے، پاکستان سے آ رہا ہے۔ جہاں یہ نارکو ٹیررزم تیار ہوتا ہے اپنے دیش کے اندر بھی، وہاں بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت، افغانستان سے آ رہا ہے، ہمیں پیچھے سے بھی اس کو بین لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان، پنجاب ہمارا بدنام ہو چکا ہے اس معاملے میں۔ ایکچولی دیکھا جائے تو پورے دیش کے اندر نشے کا کاروبار چل رہا ہے۔ اس کے اوپر سرکار کو اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایسی سخت پالیسی بنانی چاہیے جس کے اوپر ہم اس کو کنٹرول کر سکیں۔ بیٹا صاحب، ایک آخری سوال، آج جو سیمینار ہوا اس میں کئی ڈیفنس ایکسپرٹس تھے، جنرل بخشی، جنرل روی اروڑا، مور اور لیس سب کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارا ڈیفنس کا پروکیورمنٹ سسٹم ہے، جو ہمارے ہتھیار خریدنے یا اکوپمنٹس خریدنے کی نیتی ہے، وہ کافی پرانی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ ٹھیک سے اکوپڈ نہیں ہیں۔ جو رجا صاحب نے بولا ہے، جہاں بخشی صاحب نے بولا ہوگا، وہ بالکل صحیح بولا ہوگا، ان کا زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ ہمیں ڈیفنس کے اوپر تیار کرنے کی ضرورت ہے سب کو، اور میں اس چیز کو بھی مانتا ہوں کہ پیچھے جب نریندر مودی جی نے شپتھ لی تھی، اس کے بعد جب لال قلعہ میں، یا اس کے بعد انہوں نے ڈیفنس کا جو قد ہے کافی بڑھایا ہے، پیسہ کافی دیا ہے ڈیفنس کو، دوسروں کا کم کیا ہے، تو ڈیفنس اب دھیرے دھیرے ہمارا مضبوط ہوگا، کیونکہ دلالی سسٹم پورا ختم ہو رہا ہے، اس سے بڑا فرق پڑے گا۔